आरटीओ के दलालों पर चला जिला प्रशासन का हंटर। यूपी के गोंडा में आरटीओ के दलालों पर जिला प्रशासन का चला हंटर। डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट वंदना द्विवेदी व सीओ सिटी ने मारा छापा, 10 दलालों को किया गिरफ्तार, एक कंप्यूटर भी किया जब्त। आरटीओ दफ्तर में चल रहा था जोरों पर दलाली का काम। इसकी शिकायत जिलाधिकारी नितिन बंसल को मिली। जिलाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आरटीओ दफ्तर में दलालों द्वारा बोले वाले लोगों को अधिक पैसे वसूल कर दलाली करने का काम किया जा रहा था। वहीं पकड़े गए सभी दलालों को 151 में कार्यवाही कर भेजा गया न्यायालय। जिलाधिकारी ने बताया कि आगे भी दलालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। आरटीओ संजीव कुमार ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी, कुछ भारी लोग दफ्तर में लोगों को गुमराह कर दलाली कर रहे थे। इसी पर जिला प्रशासन से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। देखिए, विगत कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खासकर ड्राइविंग लाइसेंस में आम पब्लिक को, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, उनको गुमराह कर रहे हैं और ऑनलाइन काम के साथ ही उनसे इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि हम बिना टेस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया का पालन कराए उनको लाइसेंस को दबा देंगे। इस प्रक्रिया कई लोगों ने बताया हम लोगों को, तो हमने जो है वो रिक्वेस्ट की थी जिला प्रशासन से कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए। उस क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।